नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में या कैप्सूल के बारे में। ये कई प्रकार के ब्रांड नेम से आपको देखने को मिल जाता है। डॉक्सी लैब के नाम से है, डॉक्सीसाइक्लिन डॉक्सी 100 के नाम से है और डॉक्सी 1DL4 के नाम से है। क्योंकि ये सिंगल में भी देखने को मिल जाता है डॉक्सीसाइक्लिन और कॉम्बिनेशन के साथ एम्ब्रोक्सल हो गया आपका लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ, ये कई प्रकार के कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल दोस्तों एक एंटीबायोटिक और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है। ये दोस्तों उन्होंने कोरोना किट में भी यूज़ किया गया है, जो आजकल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि सारी मेडिसिन के बारे में शॉर्टकट में बताया था, लेकिन डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में आज इसके बारे में आपको कम्प्लीटली बताऊँगा कि क्या है ये एंटीबायोटिक दोस्तों, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, क्या क्या इसके साइड इफेक्ट्स हैं और दोस्तों क्यों इसको कोरोना की जो किट है, जो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं खांसी जुकाम बुखार, उसमें क्यों लिया गया है इस एंटीबायोटिक्स को। तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ दोस्तों। अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आप उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। डॉक्सीसाइक्लिन दोस्तों एक एंटीबायोटिक ड्रग्स है और एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स है, जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है दोस्तों। ये टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। ये जीवाणु कोशिका यानी बैक्टीरियल सेल्स जो होते हैं उनके प्रोटीन संश्लेषण को कम करके कार्य करता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण जो जिससे दोस्तों जो होता है वो बैक्टीरिया के जो सेल्स होते हैं उससे डिवाइड हो जाते हैं, जिनकी उनको सख्त जरूरत होती है वो उनको ख़त्म कर देता है और एक साथ ही दोस्तों कई जीवाणु को फिनिश करने में मदद करता है। देखो जो कोरोना का जो वायरस है वो हमारी बॉडी में जाके करता क्या है, बॉडी में जाता है और दोस्तों वो डीएनए की कॉपी करके अपने दोस्तों जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन होते हैं वो डिवाइड होकर सारे लंग्स वगैरह में या फिर कहीं पर पार्ट्स में भी जाता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट को होता है वो ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा है और बीपी वगैरह घबराहट वगैरह ज़्यादा हो जाती है। तो ये करता क्या है, ये एंटीबायोटिक दोस्तों उसमें जाता है और डीएनए को ख़त्म करता है, यानी जो प्रोटीन का जो इनका संश्लेषण होता है जिसकी वजह से ये ब्लड सेल्स जो होते हैं जो बैक्टीरिया सेल्स जो होते हैं जो बढ़ते हैं उनको ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है और कई प्रकार के कॉम्बिनेशन में देखने को मिल जाता है, जैसे एम्ब्रोक्सल के साथ भी आता है या फिर आपका लैक्टिक एसिड बैसिलस के साथ आता है। और ब्रांडेड दवाइयाँ होती है दोस्तों, सिप्ला वगैरह इसको सभी मैन्युफैक्चरिंग करती है और काफ़ी पुराना एंटीबायोटिक है और बहुत अच्छे इसके बेनिफिट्स हैं दोस्तों। इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बता दिया है, सभी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपका निमोनिया हो गया, हैजा हो गया, आपका क्लेडामाइडिया हो गया, गैनोरिया डिजीज़ हो गया, आपका प्लेग रोग हो गया, यूरिन का इन्फेक्शन हो गया, लिक्योरा डिजीज़ होता है जो फीमेल्स में देखने को मिलता है, इसके बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, पायरिया हो गया, एक्ने वगैरह हो गया, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, आपके टॉन्सिल वगैरह हो रहे हैं, गले में खराश हो रही है, जलन हो रही है या फिर आपको सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो रही है, कफ वगैरह के लिए और कई प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है और बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। जो ये किट बनाई गई है जिसमें एजिथ्रोमाइसिन है, आपका डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी है, मल्टीविटामिन है, आइवरमेक्टिन है, तो ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ बनाया गया है ताकि ये दवाएँ जो होती है, कुछ दवाएँ ऐसी होती है जो आपस में लेने से रिएक्शन कर जाती है, तो ये दवाइयाँ आपस में रिएक्शन नहीं करती है, इसलिए कॉम्बिनेशन में बनाया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका ये एंटीबायोटिक है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स देखने कुछ मिल सकते हैं, जैसे मितली, उल्टी, गला सूखना या फिर ऐसे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं इसके दोस्तों। मैंने इस वीडियो में बता दिया आपको साइड इफ़ेक्ट यूजेज और मोड ऑफ एक्शन भी इसके बारे में कम्प्लीटली बता दिया है। कुछ क्वेश्चंस थे दोस्तों, जैसे कि मुझे किसी ने पूछा था कि ये कोरोना इन्फेक्शन के लिए यही वो दवाई है जो यूज़ करवाई जाती है, तो हाँ जी बिल्कुल यही है और इस दवाई की कोई भी लत नहीं लगती है, ये एक प्रिकॉशन मेडिसिन है, जब भी यूज़ करें एक बार डॉक्टर के सलाह के अनुसार ज़रूर यूज़ करें। वैसे तो आजकल ये बताया गया है कि आप सभी ये मेडिसिन ज़रूर लें अगर आपको खांसी जुकाम बुखार वगैरह कुछ भी देखने को मिल रहा है या फिर आपको कंटिन्यू देखने को हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो पूरी किट यूज़ करें जिसमें पीसीएम है, एजिथ्रोमाइसिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, विटामिन सी है और मल्टीविटामिन जैसे कॉम्बिनेशन के साथ ये बनाया गया है। तो आज की इस वीडियो में उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में कंप्लीटली आपको जानकारी दी है। तो मिलता है नई वीडियो के साथ, ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।